तो जय हिंद दोस्तों, सारा जी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। तो क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नहीं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों छोटी सी बड़ी जानकारी को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, लोग परेशान है। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि री सबमिशन का जो ऑप्शन था वो अभी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आ चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से लोग जो है अभी री सबमिशन का जो ऑप्शन है उस पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो भी है मैं आपको बताना चाहूंगा। फिलहाल दोस्तों आप लोग का अधिक समय नहीं लेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसके सीआरसीएस वाले पोर्टल पे आपको जाना है। वहाँ जाने के बाद दोस्तों आपको वहाँ री सबमिशन का ऑप्शन मिलेगा, जो की उस पे आप जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों अपना क्लेम नंबर उसमें डालिएगा। क्लेम नंबर डालने के बाद उसके बाद कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद दोस्तों जो है आपका खुल जाएगा, और जो भी एडिट करना रहेगा तो आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहले आप अपना जो स्टेटस एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद दोस्तों तभी करिएगा, क्योंकि जो भी है उसमें जो भी गलतियां आ रही हैं उसको आपको सुधार कर तभी आपको रिसबमिशन का जो ऑप्शन है उस पर आपको अप्लाई करना है। तो ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन कौन से लोग अभी जो है रीअप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका भी पैसा 10,000 से नीचे है, यानी वो लोग इतने समय जो है अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है जिनका भी 10,000 से 20,000 के अंदर है, यानी 20,000 के अंदर है, तो उनका यानी 25 तारीख से जो है उनका चालू होगा ऑनलाइन। और जिनका 20,000 से अधिक है वो लोग 27 नवंबर से, जी हाँ दोस्तों 27 नवंबर से जो है रीअप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग इस पोर्टल पे जाएंगे सीआरसी वाले पोर्टल पे, वहाँ आपको दिखेगा तो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे लिखेगा, यदि 10,000 से नीचे जिनका भी है उनका 15 से चालू है रीअप्लाई करने का ऑप्शन। उसके बाद 20,000 से जिनका नीचे है उनको 25 नवंबर से उनको करना है, और जिनका 20,000 से ऊपर है उनको 27 नवंबर से करना है। तो उसमें आपको दिखेगा। तो फिलहाल आप लोग सबसे पहले स्टेटस चेक करके जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सही करके तभी करिएगा, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी, तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। फिलहाल दोस्तों मैंने जो भी था मैंने आपको बता दिया है। यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद।